नमस्कार, माय नेम इज अंकित शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर जेके एसएसबी एग्जामिनेशंस। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमने खास जेएनके जो टूरिज्म के ऊपर जो सिलेबस में आपका लिखा था इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है सिलेबस के मुताबिक वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जो इम्पॉर्टेंट गार्डन्स आते हैं जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर रीजन के, तो उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सेशन भी कल के सेशन की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम कुछ ऐसे गार्डन्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, और अगर हम पुराने पेपर्स देखें तो उनमें भी कभी कभार पूछा गया है। तो हम ज़्यादा बातें करते हैं, स्टार्ट करेंगे अपना पहला जो है निशात गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निशात गार्डन NISHAT। अगर देखो, अगर किसी को ये देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जूम करके नोट्स बना सकता है, नोट्स की फिक्र मत करो। आप सुनो एयरफोन्स लगा के कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहला जो है वो है निशात गार्डन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। याद रखना है, उधर पूछते हैं एग्जाम में सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो वो निशात गार्डन है। इस गार्डन के और भी नाम हैं। पहला नाम है गार्डन ऑफ ब्लिस, BLISS, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, और इसको गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लोकेटेड, अब लोकेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कहाँ है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, डल लेक के किनारे पे ये बना हुआ है, सराउंडेड बाई जबरवान माउंटेन रेंज। ये भी याद रखना है कि जबरवान माउंटेन रेंज क्या होती है, इट इज अ शॉर्ट सब माउंटेन रेंज, एक सब माउंटेन रेंज है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में। फिर से सुन लो, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में जो रेंज आती है उसको जबरवान माउंटेन रेंज कहते हैं। तो निशात गार्डन क्या है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, इसको गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। ये डल लेक के किनारे पे सिचुएटेड है, जबरवान माउंटेन रेंज में आता है, और इसको जो डिजाइन और इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया है आसिफ खान ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस निशात गार्डन को किसने बनाया, आसिफ खान, और ये कौन था, द एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निशात गार्डन किसने डिजाइन किया है और किसने बनाया है, आसिफ खान ने, जो कौन था, एल्डर बड़ा भाई था नूर जहां का। और ये कब बनाया गया निशात गार्डन, 1633 में। आई होप आपको इसके बारे में पता लग चुका होगा कि निशात गार्डन किसने बनाया है, आसिफ खान ने बनाया है, और ये किसका भाई था, ये एल्डर ब्रदर था नूर जहान का। तो ये कब बनाया, 1633 में। तो नेक्स्ट जो है वो है शालीमार गार्डन, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शालीमार गार्डन इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन है शालीमार, और दूसरे नंबर पे था निशात, तो याद रखना है। ये कहां पर है, 15 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी, 15 किलोमीटर श्रीनगर सिटी के अगर हम देखें तो वहां बनाया है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं ये कहां पर है, तो ये भी डल झील के किनारे पर है, और ये एग्जाम में पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि राइट बैंक पे है या लेफ्ट बैंक पे है, तो याद रखना है इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक्स ऑफ डल लेक, लेफ्ट नहीं राइट बैंक पे है। और ये किसने बनाया था, ये शालीमार गार्डन बिल्ट बाय जहांगीर ने बनाया है। निशात गार्डन किसने बनाया, आसिफ खान ने, तो शालीमार किसने बनाया, जहांगीर ने, मुगल एम्परर जहांगीर ने। किसके लिए बनाया था, फॉर हिज वाइफ नूर जहां के लिए बनाया था 1619 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1619 में मुगल एम्परर जहांगीर ने नूर जहां के लिए ये पार्क बनाया था। नूर जहां जो थी उसका असल में नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा याद रखना है, नूर जहां का असली नाम मेहरुन्निसा है।
तो ये पहले किसी और की वाइफ थी, शेर खान की बीवी थी। शेर खान के मरने के बाद हुमायूं ने इसके साथ शादी की थी। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, पर आपको याद रखना है शालीमार गार्डन किसने बनाया है, मुगल एम्परर जहांगीर ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो उस समय जफर खान एक गवर्नर हुआ करते थे कश्मीर के, शाहजहां के टाइम पीरियड में उन्होंने इस शालीमार बाग को एक्सटेंड किया और इसका एक और नाम डाला फैज ए बख्श। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शालीमार गार्डन का दूसरा नाम क्या है, तो फैज ए बख्श ये किसने दिया था नाम, जफर खान ने। जफर खान कौन था, गवर्नर था कश्मीर का, किसके टाइम पीरियड में, शाहजहां के टाइम पीरियड में। तो और इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि बनाया किसने था, जहांगीर ने बनाया था। इसको एक्सटेंड किसने किया, तो जफर खान ने इसको एक्सटेंड किया था। बिजलीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन इस पार्क का कब हुआ, हरी सिंह के टाइम पीरियड में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज जहांगीर इंपीरियल समर रेजिडेंस। जब समर में जहांगीर यहां आता था तो उसका रेजिडेंस भी यहां होता था और वो रॉयल कोर्ट भी रहा 13 सालों तक, शालीमार गार्डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है हरवान गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पे प्रेजेंट है, हरवान विलेज में, श्रीनगर में ही आता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि फेमस जो रिमेन्स हैं एंशियंट ऑर्नामेंटल टाइल पावमेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट एरा, कहा जाता है बुद्धिस्ट एरा का जो टाइल्स, उस समय जो टाइल्स थी बुद्धिस्ट एरा के, जो चलने के लिए जो फुटपाथ बनाया गया था, बुद्धिस्ट एरा की टाइल्स यहाँ मिली हुई हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, इट इज बिलीव दैट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो कहा जाता है, इट इज बिलीव दैट वो यही हरवन गार्डन में हुई थी। किसकी पैट्रोनेज में, कनिष्का की पैट्रोनेज में, यहाँ पर हरवन गार्डन में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगेन नेक्स्ट आ जाता है बादाम बाड़ी। नेम से ही पता लगता है कि बादाम के पेड़ हैं, आलमंड ट्रीज हैं। और ये कहां पर है, कोहे मरान पर्वत पे। कोहे मरान को हरी पर्वत भी कहते हैं, तो एग्जाम का ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरी पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है कोहे मरान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बादाम वाड़ी कहाँ है, सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ कोहे मरान, जिसको हरी पर्वत भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्क में एक डोम बनाया गया है गार्डन में, और वो डोम किसके नाम पे रखा था, अफगान रूलर वारिस खान के नाम पर इस बदामवाड़ी में एक डोम बनाया गया है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परी महल, वेरी इंपॉर्टेंट। परी महल ये भी जबरवान माउंटेन्स की स्लोप्स पे है, 13.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर सिटी। गार्डन पैलेस, इस गार्डन में एक पैलेस है जो 1600 में बनाया गया था, किसके नाम के जरिए, दारा शिक को। कहा जाता है 1600 में ये जो परी महल है ये बिलोंग करता है दारा शिखो को। तो हो सकता है दारा शिखो ने निर्माण किया हो 1600 में दारा शिखो को। दारा शिखो कौन था, सन ऑफ शाहजहां, जो यहां पर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने आता था। तो याद रखना है परी महल 1600 में बनाया गया था, और ये किसको, कौन था इसको बनाने वाला, दारा शिखो। दारा शिखो कौन था, सन ऑफ शाहजहां, जो यहां पर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने आता था। नेक्स्ट है ट्यूलिप गार्डन। तो ये आप सब भलीभांति जानते हैं, ट्यूलिप गार्डन का पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। दोबारा बोल रहा हूं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, और इसको पुराना नाम इस ट्यूलिप गार्डन का आपको याद रखना है सिराज बाग। ट्यूलिप गार्डन का पुराना नाम क्या था, सिराज बाग, और अभी का नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, डल लेक के किनारे है। 60 वैरायटीज ऑफ ब्लूमिंग ट्यूलिप्स यहां पर लगाए जाते हैं। हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल यहां मनाया जाता है।
तो ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप्स के लिए मशहूर है, तो याद रखना है ट्यूलिप्स का ओरिजिनेशन पर्शिया से हुआ था, 17th सेंचुरी में ये यूरोप में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, और ट्यूलिप को लगाने का असली समय होता है सितंबर का। तो ट्यूलिप के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इसका पुराना नाम सिराज बाग भी था, और ये जो इसमें 60 वेराइटीज हैं ट्यूलिप्स की, और जो ओरिजिनेशन ट्यूलिप्स का हुआ है वो हुआ है पर्शिया से, और फिर उसके बाद इसको 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और जो सही समय है ट्यूलिप्स का लगाने का वो है सितंबर, तो ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चश्मा शाही। चश्मा शाही को रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉयल स्प्रिंग को चश्मा शाही भी कहते हैं, चश्मा शाही को रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं। ये कहां पर है? नियर राजभवन गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस राजभवन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। और इसको किसने बनाया था? चश्मा शाही को बिल्ड बाई शाहजहां इन 1632 AD। दोबारा सुन लो, चश्मा शाही माने रॉयल स्प्रिंग को किसने बनाया है? शाहजहां ने 1632 एडी में। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक फेमस राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था अल्दोस, अल्दोस ने यह कहा था कि चश्मा शाही इज आर्किटेक्चरली द मोस्ट चार्मिंग ऑफ द गार्डन्स नियर श्रीनगर। की आर्किटेक्चरली अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये कश्मीर का, और इसके डिजाइन में आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चश्मा शाही का जो डिजाइन है उसमें कौन सा इन्फ्लुएंस दिखता है, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब बनाया गया था? 1969 में श्रीनगर में बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू की मेमोरी में, याद में, और इसको जवाहरलाल नेहरू बोटैनिकल गार्डन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हमारे इंपॉर्टेंट गार्डन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर रीजन के बारे में हमने आज इंपॉर्टेंट गार्डन्स को डिस्कस किया है। तो आप ये जरूर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स, आपको पढ़ा जाएगा, आप नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं, एयरफोन्स लगाकर भी आपको क्लियर आवाज आई होगी, तो आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था गार्डन्स को लेकर, ये इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है, और JKSSB यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।